हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल कंटेंट बॉक्स चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबको आम चलन में जारी किया गया एक दुर्लभ 5 रुपये कॉपर निकल स्मारक सिक्का दिखाऊंगा। और ये सिक्का आम चलन में बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा रेयर सिक्का है और बहुत कीमती सिक्का भी है। ध्यान से देखिए वीडियो, अगर ये सिक्का आपके पास है या नहीं मुझे वीडियो देखने के बाद कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और बहुत कलेक्टर्स के पास ये सिक्का नहीं रहता और ये सिक्का कलेक्ट करने के लिए आज भी बहुत कलेक्टर्स कोशिश कर रहा है, पर ये सिक्का कलेक्ट करने के चक्कर में बड़ा धोखा खा रहा है। वो क्या है मैं इस वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए अंत तक देखिए। हमारा चैनल किससे सिक्का और करेंसी नोट्स खरीदता नहीं बेचता नहीं। अगर कोई हमारा चैनल नाम पर आपसे किसी माध्यम से भी कॉन्टैक्ट करके आपसे आपका पर्सनल जानकारी या फिर आपका आप ऐसा पूछा तो बिल्कुल मत दीजिएगा। इतना कहने पर भी देने से आपकी जिम्मेदार है, याद रखिए। दोस्तों, 5 रुपये का कॉपर निकल स्मारक सिक्काओं में रिपब्लिक इंडिया में स्पेशली 4 सिक्का सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती सिक्का है। और ये 4 सिक्का बहुत कम आम चलन में जारी करने की वजह से बहुत कीमती है। वो चारों में एक सिक्का मैं दिखा रहा हूँ, स्पेशली ये एक सर्कुलेटेड स्ट्राइक कॉइन है, इसलिए बहुत ज़्यादा रेयर कॉइन है। ध्यान से देखिए, ये कॉपर निकल सिक्का आवर्स हम देखने से अशोक लेलैंड कैपिटल सच में जो है 5 न्यूमेरिकल हमको नजर आ रहे हैं। 8 GB में दिखा रहा हूँ, एक बार देखिए सिक्योरिटी जाए दोस्तों। और राइट साइड हमको इंडिया रुपीस मिंट किया गया और लेफ्ट साइड हमको रुपये भारत रुपये हिंदी में मिंट किया गया। और ये सिक्का का रिवर्स साइड हम देखने से खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 50 ईयर्स कम्प्लीशन में हमको जारी किया गया कॉपर निकल स्मारक सिक्का है। और ये सिक्का इतना खास क्यों है कि ये कॉपर निकल स्मारक सिक्का हमको आम चलन में बहुत ही कम संख्या में जारी किया है। ये सिक्का हमको इस पर देखने से 2007 ईयर हमको नजर आता है, पर ये सिक्का हमको 2008 में कॉपर निकल सिक्का आम चलन में आया बॉम्बे मिंट से सिर्फ, देख सकता है। ये सिक्का हमको बहुत कम कलेक्टर्स के पास रहता है। और ये सिक्का के बारे में भी एक खास जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये सिक्का जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा हाल में रहने से भी ये सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट 5,000 से कम नहीं रहता दोस्तों। ये सिक्का हमको UNC सेट से तोड़ के बाहर आजकल सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये सिक्का हमको कम मिलता है आम चलन में। ऐसा UNC सेट से निकाला गया सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट भी अभी 3,000 से 4,000 तक की रहता है। ये सिक्का स्पेशली सर्कुलेटेड सिक्का बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, भविष्य में भी ये सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट और भी बढ़ जाएगा। आपके पास ये कॉपर निकल सिक्का है या नहीं चेक कीजिए, क्योंकि ये सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में मिल जाता है, वैल्यू एस्टिमेट 300 से 400 तक रहता है। पर कॉपर निकल का ये स्मारक सिक्का सर्कुलेटेड सिक्का मिलना बहुत दुर्लभ है। और ज़्यादातर लोग आजकल ये सिक्काओं में, ये स्पेशली ये सिक्का के बारे में कह रहा हूँ, UNC सेट का सिक्का बहुत कम है, सर्कुलेटेड सिक्का और भी ज़्यादा वैल्यूबल एस्टिमेट रहता है UNC सिक्का से। ज़्यादा लोग UNC सिक्का को लेके सर्कुलेटेड सिक्का सोच के खरीद के धोखा खा रहा है। तो एक डिफरेंस मैं क्लियरली कहता हूँ, आपके पास पड़ा हुआ सिक्का सर्कुलेटेड है या UNC सेट है, सेट से निकाला गया सिक्का है, आप भी पहचान सकता है। क्योंकि नॉलेज है तो हम ये खास सिक्का में फ़र्क पता होने से हमको क्या दुर्लभ है वो सिक्का हम हमारा कलेक्शन में रख सकता है। रिवर्स साइड हम देखने से कॉइन का बॉटम में हम देखने से ईयर देख सकता है, इस पर आया मिंट मार्क पे आप ध्यान देने से हम थोड़ा अलग सा आसानी से पहचान सकता है। ये सिक्का जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, राइट साइड पड़ा हुआ सिक्का हमको UNC सेट का सिक्का है और लेफ्ट साइड पड़ा सर्कुलेटेड सिक्का है। UNC सेट में आया सिक्का का साल के बीच में मिंट मार्क देखिए, डायमंड मिंट मार्क मोटा और बड़ा रहता है, जो सर्कुलेटेड स्ट्राइक में हमको पतला और करेक्ट शेप में हमको डायमंड शेप में हमको नजर आता है पतला सा, ऐसा डिफरेंस से भी। और ये सिक्का का फिनिशिंग और ये सिक्का का एडजस्ट देख के आप लोग ये सर्कुलेटेड सिक्का है या UNC सेट से निकाला गया सिक्का आप आसानी से पहचान सकता है। और ये सिक्का UNC सेट से सर्कुलेटेड सिक्का बहुत ज़्यादा रेयर और बहुत ज़्यादा कीमती सिक्का है, बहुत लोगों के पास ये सिक्का रहने का संभावना रहता है। आप भी जरूर आपका पास पड़ा हुआ सिक्काओं में ये खादी एंड विलेज कमीशन का स्मारक 5 रुपये कॉपर निकल सिक्का है या नहीं जरूर चेक कीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, पसंद आए तो सबको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।